नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। एग्जिट पोल के रुझानों के मुताबिक केंद्र में एक बार फिर भाजपा की सरकार, केरल में भी खुल सकता है भाजपा का खाता। दक्षिण में एनडीए को सबसे ज्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है, हिंदी भाषी राज्यों में कुछ सीटों का हो सकता है नुकसान। एग्जिट पोल के रुझानों के मुताबिक राजस्थान में भाजपा को हो सकता है नुकसान, भाजपा को 16 से 19 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस 5 से 7 सीटें जीत सकती है, अन्य 0 से 2 सीटें जीत सकती है। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, जीवन का हर पल देश को समर्पित, यह साधना अविस्मरणीय क्षणों में से एक। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना हुई खत्म। 45 घंटे से ध्यान कर रहे थे नरेंद्र मोदी, इस दौरान मौन व्रत किया, केवल तरल पदार्थों का ही सेवन किया। ध्यान साधना पूर्ण होने के बाद उन्होंने संत त्रिवल्लूर को भी किया नमन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक, मतगणना को लेकर हुई चर्चा, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीडीपी नेता बैठक में नहीं थे। मोदी कैबिनेट को 5 जून को विदाई डिनर देंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है, 16 जून से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से तत्काल नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत पर 5 जून को सुनवाई, 2 जून को करना होगा सरेंडर। इस बार मोदी और शाह के गढ़ गुजरात में खुल सकता है कांग्रेस का खाता। भाजपा 25 से 26 सीटें जीत सकती है जबकि कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक व्यवसायी से 9.9 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस ने बताया, एक महीने पहले पीड़ित को व्हाट्सएप समूह में जोड़ा गया, फिर ऐप डाउनलोड कर शेयर बाजार कारोबार में फर्जी मुनाफे का लालच देकर ठगी की गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर दावा किया कि भाजपा 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी जबकि एनडीए 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगा। जयपुर पुलिस ने बैंकों में फर्जी खाते खुलवाकर साइबर ठगी, ऑनलाइन गेमिंग एवं सट्टे की अवैध रकम का लेन देन करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह ने 733 फर्जी बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। ईडी के वकील तुषार मेहता ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ा, कहा 7 किलो वजन घटने की बात झूठ। वरिष्ठ भाजपा नेता विजय गोयल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भेजी। केजरीवाल ने दावा किया था कि वह गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी में ध्यान सत्र करदाताओं के पैसे से वित्त पोषित मीडिया तमाशा है। पंजाब में अमृतसर के अजनाला में बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली में शनिवार अपराह्न अचानक मौसम बदल गया और शहर में धूल भरी आंधी चली तथा आसमान में बादल छा गए। मौसम में अचानक आए इस बदलाव से दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश में दिखा वोटिंग को लेकर उत्साह, बिलासपुर के एक मतदान केंद्र पर एक बुजुर्ग महिला ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मतदान करने पहुंची। गुजरात में मोडासा के सकारिया के पास राजमार्ग पर 2 बसों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। लग्जरी बस में सवार तीर्थयात्री बड़ोदरा के सावली लौट रहे थे। सलमान खान पर हमला करने की कोशिश में लगे लॉरेंस गैंग के 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सलमान के पनवेल फार्म हाउस और शूटिंग लोकेशन की रेकी की थी, बना रहे थे सलमान खान की कार पर हमला करने की योजना। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 होस्ट करेंगे अनिल कपूर। मेकर्स ने जारी किया शो का प्रोमो, जून से जियो सिनेमा पर प्रीमियर होगा शो। मेकर्स ने फिलहाल नहीं किया है तारीख का ऐलान। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।